हूं निवेदिता शुक्ला। भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करे उसके लिए टीम के सभी खिलाड़ियों का फिट रहना बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के फिट रहने का ही परिणाम है कि वो मैच में शानदार जीत दर्ज करती है। लेकिन फिर कभी कभार सही खाना न मिल पाने की वजह से खिलाड़ियों की सेहत खराब हो जाती है, जिसका टीम को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने यहां पाए जाने वाले कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे को भारतीय क्रिकेट टीम की नियमित डाइट में शामिल करने की सलाह दी है। इस बारे में केंद्र ने बीसीसीआई और कप्तान विराट कोहली को पत्र भी लिखा है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला था कि विराट कोहली और टीम इंडिया के कुछ सदस्य भोजन में ग्रिल्ड चिकन ले रहे थे, लेकिन अधिक कोलेस्ट्रॉल और अधिक फैट होने से इसे बंद करना पड़ा। ऐसे में कड़कनाथ चिकन सही और पूरक साबित हो सकता है। कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे में फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होने और प्रोटीन अधिक होने के चलते ये सलाह दी गई है। अगर बीसीसीआई और कप्तान विराट कोहली इस पर विचार करते हैं तो झाबुआ के कड़कनाथ की ख्याति और बढ़ेगी। पिछले कुछ समय में लगातार इसकी मार्केटिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कड़कनाथ चिकन में अधिक प्रोटीन और आयरन है। काला रंग हड्डियां भी काली। कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा पूरी तरह से काले रंग का होता है। इसकी हड्डियां, मांस और रक्त भी काला होता है। अगर कड़कनाथ भारतीय टीम के मेन्यू में शामिल हो जाता है तो भारतीय टीम की बड़ी चिंता दूर हो जाएगी।